So, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है इस स्ट्राइक प्राइस पे, तो इसका मतलब है यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो प्राइस काफी मोर लाइकली टू रिजेक्ट करेगा, वो प्राइस नहीं जाएगा। तो क्या ये सही बात है क्या कि आप ओपन इंटरेस्ट देख के आप ये पता कर सकते हो कि उस पॉइंट पे बायर है या सेलर है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप ये कभी पता नहीं कर सकते कि पता कर सकते हो बट कुछ पैरामीटर्स इंक्लूड करके, बट आप सिर्फ ओपन इंटरेस्ट देख के ये नहीं बोल सकते हो कि वहां पे सेलर्स ज्यादा हैं और यहाँ पे बायर्स ज्यादा हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट और ये डेटा किसी के पास भी नहीं है। तो ये अगर आपको कोई बोलता है कि ओपन इंटरेस्ट वहां ज्यादा है तो वहां सेलर्स ज्यादा हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और यहाँ पे आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के बेस पे आप कैसे एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, ट्रेड में कैसे बने रह सकते हो, किस तरीके से आपको ट्रेडिंग में हेल्प करता है वो एज एन एक एज लेके आप इसको यूज कर सकते हो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को। तो जो लोग नए हैं प्लीज हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर लेना ये चैनल, अगर ये नंबर इंक्रीज होता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस। तो मेक श्योर कि आप ये नंबर इंक्रीज करो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को यूज करके कंबाइन करके कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए और कैसे प्लान करना चाहिए अपने ट्रेड को, तो उसको जानने से पहले पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं कि FNO सेगमेंट जितना भी है, जो भी हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करते हैं वो करते हैं हम लोग इन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म, ठीक है, कोई भी फिजिकल एसेट्स नहीं होता इसमें, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी ट्रेड होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। और जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमेशा दो पार्टी हमेशा होंगी इन्वॉल्व, बायर्स एंड सेलर्स, तभी जाके एक कॉन्ट्रैक्ट आपको फॉर्म होगा। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब समझते हैं OI विच इज ओपन इंटरेस्ट। अब जैसे मान लो कि एक स्मॉल एग्जाम्पल देता हूँ, ए पर्सन है, उसको 17,000 का कॉल खरीदना है निफ्टी, एक्सपायरी मे कर लो, 5th of May आपका एक्सपायरी है, 17,000 का उसको कॉल खरीदना है। एंड सिमिलरली बी पर्सन, उसको लग रहा है, जैसे ए पर्सन को लग रहा है कि 17,000 से ऊपर नेक्स्ट एक्सपायरी तक मार्केट जाएगा, एंड बी को लग रहा है कि 17,000 से नीचे रहेगा मार्केट ऑन टिल एक्सपायरी, तो उसने 17,000 का कॉल सेल किया, चाहिए था सेल करना एंड इसे था बाय करना। अब यही ये ए और बीच के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा विथ वन लॉट, दोनों ने एक लॉट पे एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया, तो यहां जो OI हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वन OI, क्योंकि एक लॉट है वन OI, अगर ये 5 लॉट का होता तो आपका OI हो जाता 5। ये समझ में आ गया कि ओपन इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू लॉट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितना कॉन्ट्रैक्ट है, और ये अभी सेटल्ड नहीं है, ओपन है, ओपन है मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लो एक्सपायरी तक कितना ऊपर जाएगा, अगर मान लो 17,000 से 17,500 चला जाएगा, तो अभी इसका मान लो अभी इसका प्रीमियम 100 रुपीज है, तो बी को अगर 17,500 पे क्लोज होता है तो बी को ए को जो है वो उसको पे करना होगा 400 रुपीज, यानी कि इस प्राइस से ऊपर है 500, तो 100 रुपीज उसने प्रीमियम ऑलरेडी ले लिया है, पे कर चुका है, और प्लस 400 रुपीज, तो उसको 400 रुपीज बी को ए को देने होंगे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना है तो टिल एक्सपायरी जो भी प्राइस ऊपर जाएगा तो। और अगर मान लो ये 17,000 से नीचे आ जाता है, 17,000 या 17,000 से नीचे आ जाता है, यहाँ ए को आपको देना होगा, ए को देना होगा बी को द 100 रुपीज, जो वो प्रीमियम अमाउंट है वो उसको फॉरगेट कर जाना होगा, भूल जाना होगा, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट आपका फुलफिल हो जाएगा। तो अगर मान लो ये तो हो गया टिल एक्सपायरी के बाद, अब यही चीज अगर मान लो कि इन बिटवीन मान लो 17,200 पहुंच गया अगले दो दिन में ही पहुंच गया, और प्राइस जो है कॉल का वो 100 रुपीज प्रीमियम से 150 पहुंच, ए को लग रहा है कि वो काफी अच्छा प्रॉफिट उसे बुक हो चुका है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता, तो 50 रुपीज वो अपना बुक करना चाहता है प्रॉफिट्स, ठीक है प्रॉफिट्स। एंड वही सिमिलरली बी को लग रहा है कि 50 रुपीज से ज्यादा वो लूज नहीं करना चाह रहा है, वो भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना चाह रहा है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों अग्री, ठीक है दोनों अग्री हैं टू फुलफिल दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए और बी, वो जो एक कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीट हो जाएगा वो 150 रुपीज पे, ए भी एग्री हो जाएगा अपना कॉन्ट्रैक्ट सेल करने को और बी भी एग्री हो जाएगा अपना कॉन्ट्रैक्ट बाय करने को कि हाँ मैं बाय कर लूंगा वापस इस प्राइस पे, तो बी 50 रुपीज का लॉस लेने के लिए रेडी है और ए को 50 रुपीज का प्रॉफिट देगा वो।
तो यहाँ पे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इस 150 पे फुलफिल हो जा रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो पहले OI था, अब जो OI हो गया वो जीरो हो गया। तो ये याद रखना, OI जो है, ओपन इंटरेस्ट जो है, वो जीरो से ऊपर उठ के कहीं भी जा सकता और नीचे आके सिर्फ जीरो तक ही आ सकता है, ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव नहीं जाएगा। सो अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। तो दोनों के सिनेरियो में एक लॉट बाय हुआ, ठीक है, और एक लॉट सेल हुआ, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हुआ तो एक ये हुआ। तो OI पहले 1 था, वॉल्यूम इज 1, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1, OI इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पे दूसरे, जब यहाँ पे फुलफिल हुआ कॉन्ट्रैक्ट, तब OI क्या हो गया, जीरो हो गया, एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि दो लॉट ट्रेड हो चुका है। तो जितने नंबर ऑफ ट्रेड्स होंगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमेशा, वॉल्यूम जो है वो हमेशा डेली बेसिस पे, और OI जो है वो एक्सपायरी बेसिस पे, कि एक्सपायरी तक वो OI डेटा आपको दिखेगा, जो OI डेटा दिख रहा है वो वैलिड होता है एक्सपायरी तक, और वॉल्यूम हम डेली चेंजेस होते हैं। और वॉल्यूम और कंप्लीट ऑप्शंस की एनालिसिस मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपको देखना है तो वो देख सकते हो। अब बात करते हैं कि इसको आप यूज कैसे कर सकते हो, कि आप कैसे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो पहली चीज है, अगर OI, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है विथ वॉल्यूम एंड प्राइस भी आपका इंक्रीज हो रही है इन अपवर्ड डायरेक्शन, जैसे मान लो अपवर्ड डायरेक्शन की हम लोग बात कर, एंड इस केस में आपका दो सीन होगा, सी का केस होगा, एक पी का केस होगा, कि दोनों का पी, सी में भी वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस इंक्रीज के साथ वॉल्यूम और OI बढ़ रहा है, एंड पी में भी अगर वॉल्यूम और OI बढ़ रहा है। तो इनकेस अगर सी में बढ़ रहा है, तो सी में अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, अगर वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो इट मीन्स मोर लाइकली यहाँ पे बायर, ठीक है, बायर्स के चांसेस ज्यादा है कि बाइंग ज्यादा हो रही है इन द ऑप्शन कॉल प्राइस पे। और वहीं जब पी में ऐसा सीन हो रहा है कि पी का OI बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्राइस के साथ साथ, तो मोर लाइकली कि यहाँ पे सेलर्स ज्यादा हैं। और जब सेलर्स ज्यादा होते हैं तो मोर लाइकली किया जाता है क्या, कि वहां पे ट्रेंड वो स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग ट्रेंड हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग इस डेटा को हम लोग यूज करते हैं, सपोज जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये हो गया कल का डेटा, अगर आप देखो 27th को, तो 27th को 8 बजे मार्केट क्लोज होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 17,000 का अगर आप प्राइस देखो निफ्टी में, तो इसका वॉल्यूम कितना चल रहा है, 48 lakhs, एंड OI कितना है, 1,85,000, एंड सिमिलरली कॉल साइड अगर आप देखो तो 1,28,000 OI है, वॉल्यूम कितना है, 26 lakhs। तो क्लियरली हमें दिख रहा है वॉल्यूम सबसे ज्यादा और OI सबसे ज्यादा कितना है, पुट में। तो हमें एक व्यू हो गया। और आप और भी अगर राउंड फिगर में देखोगे तो आप 16,900 का भी अगर आप कंपेयर करो तो 16,900 में सबसे ज्यादा किसका है, पुट का है, एंड क्लियरली आप 17,100 में भी देखो तो 17,100 में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, OI वॉल्यूम 23 lakh एंड OI इज 57,000, एंड यहाँ पे अगर आप देखो OI इज 1,28,000 एंड 35,000, तो इस प्राइस पे आपको लग, यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे 17,100 पे कॉल का ज्यादा है एंड 17,000 पे पुट का। तो चार्ट पे अगर हम लोग देखें तो 17,000 इस दिन की बात कर रहे हैं, 17,000 का ये प्राइस, ये लेवल हो गया, ठीक है, ऑन क्लोजिंग, और 17,100 का, तो ये लेवल हमें 17,100 का क्लियरली दिख गया कि एक ये है। अब देखो मार्केट क्या हुआ कि ऊपर उठा, मार्केट ऊपर उठा, गैप अप ओपन हुआ है और वापस से नीचे आ गया, और हमें ये पता है कि क्लियरली मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश डायरेक्शन में है, काइंड ऑफ द बुलिश डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे अगर आप देखो मार्केट नीचे, और हमें इस सिनेरियो में हमें क्या करना होता है कि हमें एक रिवर्सल काइंड ऑफ पैटर्न ढूंढना होता है, कि ऐसे सिचुएशन में जब बुलिश हमारे माइंड में है कि हमें बुलिश व्यू, एक काइंड ऑफ ऑप्शंस चेन के हिसाब से बुलिश व्यू होने हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस हैं, तो आपको क्या करना है, ऐसे सिचुएशंस पे आप एक रिवर्सल का वेट करो। ऐसा नहीं कि आपने मार्केट ओपन हुआ और डायरेक्ट आपने बाइंग करना शुरू कर दिया या आपने बुलिश मूव पोजीशंस डालना शुरू कर दिया, आप एक रिवर्सल का वेट करो। जैसे यहाँ पे रिवर्सल हुआ, और कहाँ पे रिवर्सल हुआ है, एग्जैक्टली 17,100 के आसपास। अब मैं एक और आपको उस टाइम का दिखा देता हूँ, 12 बजे के आसपास, जब यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिवर्सल आना शुरू हो गया, तो एक और मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लो 12 बजे के आसपास का है, मैं उस समय लेना भूल गया था बट 12 बजे मैंने ले लिया था आपको इसका। तो आप देखो 17,100 का पुट का क्या वॉल्यूम, 23 लाख, कॉल का वॉल्यूम है 24 लाख, तो अभी भी कॉल के वॉल्यूम में ज्यादा है,
बट ओआई आप चेक करोगे तो 1,97,000 है, 1,46,000 है। तो प्राइस के साथ साथ अगर आप देखो तो कंपेयर करो तो किसका ज्यादा है, इट्स मोर लाइकली द पुट का वैल्यू ज्यादा है। ये जो लेवल है, ये लेवल पे आप आराम से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। अगर ये लेवल है 17,100 पे आप ऑप्शन सेलिंग का एक ऑर्डर पंच कर सकते हो। अगर आप इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे अगर आप हो, करीबन इस पॉइंट पे मैंने बोला था 1153 पे, तो इस पॉइंट पे हो तो आप यहाँ पे आराम से 17,100 का आप 16 रुपए के आसपास आपको प्रीमियम मिल रहा था। और अगर मान लो यहाँ से रिवर्स कर रहा है, यहाँ पे मार्केट रिवर्स कर रहा है, तो आपको वहां पे आप स्मॉल एसएल के साथ आप आराम से ट्रेड कर सकते थे। बट आपको ये पता चल गया कि कौन सा लेवल पे आपको ट्रेड करना है, किस लेवल पे। ऑल दो आप इसको पहले भी ट्रेड कर सकते थे, मैंने बाद में भी स्क्रीनशॉट लिया था, इसीलिए आई वॉज बिजी विथ माई ट्रेड्स। तो आप पहले भी आप चेक कर सकते हो कि कैसे आप इसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप ऑप्शंस को यूज करके, ऑप्शंस और वॉल्यूम्स को और प्राइस के मूवमेंट को यूज करके आप कैसे यूज एक रेंज पता कर सकते हो। अब मैं आगे की नेक्स्ट एक्सपायरी की हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे बैंक निफ्टी है, तो बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका जो एक्सपायरी है वो आपका बैंक निफ्टी 5th of April का, 5th of May का हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस साइड है, वॉल्यूम है आपका सबसे ज्यादा 36,000 पे टू 45,000, ओआई है 32,000, ठीक है। एंड यहीं पे अगर आप देखो यहाँ पे कितना है, 1,76,000, 36,000। तो आप क्लियरली देख सकते हो अप ट्रेंड के साथ साथ जो नीचे में सबसे ज्यादा आपको ओआई और वॉल्यूम के साथ साथ इंक्रीमेंट दिख रहा है वो 36,000 का प्राइस है। तो आप क्लियरली यहाँ पे 36,000 का एक लेवल आप प्लॉट कर सकते हो कि जिसको आप ऑप्शन सेलिंग के लिए, अगर आपका बुलिश व्यू है तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको अगर कोई बुलिश मूवमेंट आ रहा तो आप इस लेवल को आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो, ठीक है। 36,000 पे आप ट्रेड कर सकते हो, विच इज दिस पॉइंट। एंड अगर आप यहाँ पे देखो जस्ट इमीडिएटली अगर आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो इसका जो ओआई है और वॉल्यूम है, ओआई है 36,000, यहाँ पे वॉल्यूम कितना 1 लाख है एंड जो ओआई है 19,000 ही है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ऑप्शंस में जो कॉल साइड है 36,500 का, वो एक काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। वॉल्यूम ट्रेंड ऊपर है और यहाँ पे मोर लाइकली, यहाँ पे आप नहीं कह सकते कि यहाँ पे सेलर्स ज्यादा होंगे कि क्यों, मतलब इट्स काइंड ऑफ क्लियर कि जब इतना अच्छा मार्केट में मूवमेंट है तो क्लियरली कि यहाँ पे सेलर्स तो इतने बड़े बेवकूफ तो नहीं होंगे कि यहाँ पे गैप अप के ओपनिंग के साथ यहाँ पे इस नियर प्राइस पे ऑप्शन सेल करेंगे, कोई रिवर्सल नहीं है। तो मोर लाइकली है कि आप यहाँ पे कह सकते हो ट्रेंड भी कंटिन्यूएशन है, वॉल्यूम भी फेवर में है एंड ओआई भी फेवर में है, तो मोर लाइकली यहाँ पे बायर्स होते हैं। एंड जब बायर्स होते हैं तो एक काइंड ऑफ आपको दिख सकता है कि जब भी यहाँ पे मार्केट आएगा, अगर कल को ओपन होता है गैप अप, यहाँ पे एक काइंड ऑफ हल्का सा होल्ड लेके ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर सकता है। तो यहाँ पे आप इस लेवल को आप एक अगर आप बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हो तो इस लेवल को आप बाय ट्रेड कर सकते हो। तो ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि आप ऑप्शंस को और वॉल्यूम्स को कंबाइंड कर किस साइड का आप कौन से लेवल्स में आप प्लॉट कर सकते हो, तो वो आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने अभी पुट साइड में मैंने कौन सा लेवल प्लॉट किया 36,000, कॉल साइड में कौन सा लेवल प्लॉट किया 36,500। तो ये मेरा अभी लेवल है, ये मेरा लेवल है फॉर द ट्रेडिंग फॉर द फ्राइडे। फ्राइडे को मैं क्या ट्रेड करूंगा, किस तरीके से ट्रेड करूंगा, तो ये मेरा एक लेवल काइंड ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है। और तब मैं देखूंगा कि उस टाइम पे मार्केट मूवमेंट कैसा हो रहा है और उस हिसाब से कैसे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्या डेटा चल रहा है तो उस हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट आपको एक व्यू के अकॉर्डिंग आपको एक काइंड ऑफ आपको हेल्प मिल जाता है कि आपका रेंज क्या है, किस प्राइस पे क्या मूव क्या चल रहा है, तो आप वो पता कर सकते हो ऑप्शंस के चेन से, ऑप्शंस की वॉल्यूम्स और ओआई से। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और वीडियो ये समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप ट्राई करो, आप अपने खुद ट्रेड करके, खुद एक प्राइस बैंड बना के आप खुद ट्रेड करके देखो, खुद एक चेक करके देखो कैसे मूवमेंट होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी।